हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्मिता जयकिशनिया चैनल पर। और आज का हमारा नया विषय है कि हम कैसे अपने बच्चों में साइंटिफिक व्यू ग्रो कर पाए। बच्चे पहले से ही यानी कि बचपन से ही साइंटिफिक व्यू उनमें हो, साइंटिफिकली हर चीज़ को देखें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एज ए पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी स्किल, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। एक्सपीरियंस से ही बच्चे उस किसी भी चीज़ के बेसिक को जानते हैं। तो आज हम आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर आए हैं, वो है प्लानिंग एक्टिविटी। इस COVID-19 के पीरियड के दौरान बच्चे घर पर रह रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ही परेशानी होती है उनको संभालने में। तो ऐसे एक्टिविटीज़ अगर बच्चे को कराई जाए तो बच्चे का साइंटिफिक व्यू भी ग्रो होगा, वो उस साइंस को जानेगा, प्लांटिंग की जो साइंस होती है प्लांट्स के बारे में जानेगा। और बच्चों को प्लांटिंग करवाने के लिए आपके घर में पड़ी वेस्ट बॉटलों को यूज़ कीजिए, उसको कट करवाइए और बच्चों के पास ही ये सब काम करवाइए। बच्चे उसमें मिट्टी को भी डालें, मिट्टी कितनी गहराई तक डालनी है ये भी बच्चों पर ही छोड़ दीजिए। उसको बहुत सारे सीड्स प्रोवाइड कीजिए, जैसे कि अनाज के दाने, कठोर के दाने और मेथी के दाने, राई के दाने। ये सारे दाने हमारे घर पर होते ही है, तो सीड्स की पहचान भी बच्चे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और बच्चों को खुद से ही ये दाने बोने दें, यानी कि कितनी गहराई में दाने बोने हैं ये भी बच्चों पर ही छोड़ दीजिए। इसके बाद उसके पास वाटरिंग करवाइए टाइम टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें करवाने से जब उसमें से किसी भी सीड्स में से जब प्लांट ग्रो होगा तो बच्चा खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि ये उसने खुद किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है। और जब बच्चा प्लांट को ग्रो होते देखता है तो इस प्लांट को ग्रो होने में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, जैसे हवा, पानी, सनलाइट, फर्टिलाइज़र ये और ज़मीन, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चा खुद से अनुभव करके सीखता है। और जब उसका प्लांट बहुत बड़ा होने लगता है तो वो ये भी सीखता है कि ये इसका पान है, ये पर्ण है, ये इसका फूल है, ये इसका स्टेम है यानी कि डंडी है, और ये इसका रूट है यानी कि मूल है। तो जो प्लांट्स के बेसिक, उसके प्लांट्स का जो बेसिक होता है वो बच्चे खुद ही एक्सपीरियंस करके जान जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड्स के द्वारा हम बो सकते हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसकी डंडी बोई जाती है, तो ये सारा ज्ञान भी वह खुद अर्जित करेगा। उसे बुक में से पढ़कर ये ज्ञान अर्जित नहीं करना पड़ेगा। और जब भी टीचर स्कूल में इसको ये पाठ पढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो समझ जाएगा। तो प्लांटिंग एक बहुत ही खुशनुमा एक्टिविटी है, बहुत ही चीयरफुल एक्टिविटी है, क्योंकि ये मैंने देखा है। मैं भी अपनी स्कूल में बच्चे जब मेरे क्लास में आते हैं और मानसून की सीज़न तभी आ जाती है, तो मानसून के सीज़न में मैं बच्चों को बहुत सारे सीड्स प्रोवाइड करती हूँ, और बच्चे ये सीड्स अपने घर में, गमले में, अपने फार्म पे कहीं भी बोते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट आता है। और स्कूल में आकर मुझे बताते हैं, टीचर मेरा प्लांट इतना ग्रो हुआ है, इतना मेरा तो नहीं हुआ, तो कौन कौन से प्रॉब्लम हुए थे और उनके क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं ये भी बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं। इसके साथ साथ बच्चे ये भी सीखेंगे कि ये जो ट्रीज होती है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, ट्रीज से हमें क्या क्या मिलता है, हम खुद उस पे उसके आधारित ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देती है। उसका जो स्टेम होता है लकड़ी, उसकी हम यूज़ करते हैं बहुत सारी, जैसे हमारे घर के आंगन में तुलसी भी होती है, तो तुलसी के पत्ते हम मेडिसिन, एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ट्रीज़ के फायदे हैं जो खुद एक्सपीरियंस करके बच्चा समझ सकता है, जैसे कि गर्मी में उसके पेड़ों की छांव हमें बहुत ही अच्छी लगती है, वो हमें ठंडक देती है,
तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि बच्चा एक्सपीरियंस से ये सब कुछ सीख लेता है। हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, और हमारा भविष्य प्लांट लवर हो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप भी जानते हैं कि आजकल प्लांट्स कितने ट्रीज कितनी कम होती जा रही है, फॉरेस्ट कट होते जा रहे हैं। तो हमारे टाइम पर तो हमने फॉरेस्ट बहुत ही कट होते हुए देखे हैं, हमने करे हैं, लेकिन हमारे बच्चे इस राह पर ना चले, वो पहले से ही प्लांट लवर हो और जो पेड़ों को बचाए, पेड़ों को लगाए और प्रकृति को बचाए और सभी जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी हो। फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इसी तरह इंस्पिरेशन देते रहें।